यार अभी तो लॉन्च हुई थी हैरियर, और इसी के सेवन सीटर वर्जन कोड नेम H7X के कंसेप्ट को जेनेवा मोटर शो 2019 में रिवील किया जा रहा है। यार इतने कम कम गैप से ये नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, लगता है इनका कुछ बड़ा करने का इरादा है। हर सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का इरादा है ताकि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैरियर के सेवन सीटर वर्जन H7X के बारे में। तो क्या टाटा ऐसा करने वाला है कि हैरियर में ही दो सीटें और जोड़कर इसी गाड़ी को सेवन सीटर SUV की तरह बेचना शुरू कर देगा, या फिर H7X हैरियर से काफी मामलों में अलग होने वाली है? तो चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं। हैरियर और H7X ये दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली हैं, जिसका नाम है ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को लैंड रोवर D8 आर्किटेक्चर से लिया गया है। इसके अलावा ये दोनों ही गाड़ियां इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड हैं। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों की मटेरियल क्वालिटी, सीट्स और सस्पेंशन भी सिमिलर ही होने वाले हैं, लेकिन काफी सारे मामलों में H7X हैरियर से अलग होने वाली है। जैसे कि हैरियर में आपको 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन मिल जाता है जो करीब 140 PS की पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क। इंजन तो आपको यही सिमिलर मिलने वाला है H7X में भी, लेकिन इस इंजन को अलग तरह से ट्यूनअप किया गया है। H7X में ये इंजन 170 PS की पावर जनरेट किया करेगा। इसके अलावा H7X में माइलेज भी कम क्लेम किया जाएगा, लगभग 15 KMPL का। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ हुंडई सोर्स्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी मिला करेगा। इसके अलावा डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल आपको सिमिलर लग सकती है, लेकिन साइड प्रोफाइल देखकर आप एक नजर में समझ जाएंगे कि 7 सीटर वर्जन कौन सा है और 5 सीटर हैरियर कौन सी है। साइड प्रोफाइल से देखने पर आपको 7 सीटर वर्जन हैरियर से ज्यादा लंबा लगा करेगा, क्योंकि ये 62 mm ज्यादा लेंथी है हैरियर के मुकाबले। हैरियर में 4598 mm की लेंथ मिल जाती है, जबकि H7X में 62 mm ज्यादा 4660 mm की मिला करेगी। इसके अलावा विड्थ, हाइट और व्हील बेस हैरियर के तरह ही सिमिलर होने वाले हैं, मतलब कि इसकी विड्थ भी 1894 होगी, हाइट 1706 और व्हील बेस सिमिलर होगा 2741 mm का। साइड से देखने में आपको ए प्लर और बी प्लर तक तो ये दोनों ही गाड़ियां सिमिलर लगेंगी, लेकिन H7X का सी प्लर अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा H7X में आपको फ्लैट रूफ मिला करेगी ताकि थर्ड रो में बैठे हुए पैसेंजर्स को अच्छा खासा हेडरूम मिल सके। इसके अलावा वहां पर बैठे लोगों को घुटन महसूस ना हो, इसी वजह से क्वार्टर विंडोज भी दी जाएंगी जो हैरियर में नहीं मिल पाती। साइड प्रोफाइल में इतने सारे चेंजेस होने के कारण इन दोनों गाड़ियों को काफी आसानी से पहचाना जा सकता है। H7X में 18 इंच के टायर्स मिल सकते हैं, जबकि हैरियर में 17 इंच के मिलते हैं। और रही बात ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो हो सकता है कि H7X में भी 205 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिले, जितनी हैरियर में मिल जाती है। बाकी H7X की विंडो लाइन भी हैरियर से अलग होने वाली है। बूट स्पेस की बात करें तो हैरियर में मिलने वाली 425 लीटर की बूट स्पेस आपको इसमें नहीं मिल पाया करेगी। हाँ, अगर आप थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड कर देते हैं तो आपको हैरियर से ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाया करेगी। इन दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल भी अलग होने वाली है, हालांकि एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस होंगे वो बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा इंटीरियर की बात करते हैं तो हैरियर और H7X का डैशबोर्ड की डिज़ाइन लगभग सिमिलर ही होने वाली है, लेकिन H7X में लेदर रैप्ड डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील मिला करेगा। इसके अलावा हैरियर की तरह ही 8.8 इंच फ्लोटिंग डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिला करेगी, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, FM AM, USB ऑक्सन कंपेटिबिलिटी जैसे सभी फीचर्स मिल जाया करेंगे।
साथ ही में हैरियर की तरह ही इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 JBL स्पीकर्स मिल जाया करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सेंट्रल कंसोल की तो यहाँ पर ये आपको अलग मिला करेगा। H7X में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिला करेगा जो हैरियर में नहीं मिल पाता। इसमें आपको जैगुआर की तरह गियर सेलेक्टर मिला करेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर है। मतलब जब गाड़ी के इग्निशन को ऑन किया जाता है तब इसका गियर सेलेक्टर सेंट्रल कंसोल के अंदर से बाहर निकल कर आता है। इसके अलावा सेकंड रो और थर्ड रो में सेपरेट एसी वेंट्स मिला करेंगे, कूल्ड कप होल्डर्स और यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स भी। ये कार टाटा का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट होने वाला है जिसकी वजह से इस गाड़ी में आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे जैगुआर गियर सेलेक्टर के अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड डैशबोर्ड और खबरों की माने तो इस गाड़ी में सनरूफ भी मिल सकती है। इसके अलावा हैरियर की तरह ज़ेनॉन HID हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स वगैरह वगैरह सब फीचर्स आपको इस गाड़ी में भी मिल जाया करेंगे। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हैरियर की तरह इस गाड़ी में भी आपको लंबी लिस्ट मिलने वाली है सेफ्टी फीचर्स की, जैसे 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाया करेंगे। इसके अलावा आखिर में बात करते हैं इसके लॉन्च की, तो इस साल के लास्ट क्वार्टर में इस गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं बात करें हम एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो एक्शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 14.5 लाख रुपए से शुरू होकर 19.5 लाख रुपए तक की मिल सकती है। इस गाड़ी के बारे में तो अभी तक इतनी ही जानकारी हाथ लग पाई है, इससे ज़्यादा जानकारी इसके ग्लोबल डेब्यू में ही पता लग पाएगी। अगर आप इस गाड़ी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।